ये है फ्रैंकलिन आया खेले खेलेगा ये हर दिन आया है दोस्तों के साथ सुनो कहानी किससे तो हर रोज नई बात ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर हे ये है फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन्स गुड डीड्स। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसे अपने पेरेंट्स की मदद करना पसंद है और पड़ोसियों की मदद करना भी। पर एक दिन फ्रैंकलिन ने चाहा कि सब जाने कि वो सबकी कितनी मदद करता है। मिस्टर ब्राउनहॉग का है फार्म E-I-E-I-O और इनके फार्म में है कुछ गाजर। मेरे पैर के दर्द को भी अभी उभराना था ठीक कटाई के मौसम के बीच में। ओह बहुत दर्द है। फिक्र मत कीजिए मिस्टर ग्राउंडहॉग, हम सारा काम कर देंगे। हाँ, मुझे मदद करके खुशी होगी। मुझे भी। हाँ, मुझे मदद करना पसंद है। कद्दू जमा करना मुश्किल काम है। अच्छा है ना कि वो पेड़ पर नहीं उगते। वो मैं तो कभी कद्दू के पेड़ के नीचे खड़ा नहीं हूँ, उसमें खतरा हो सकता है। चलो मुझे लगता है हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, तो क्या ख्याल है? अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक ही कद्दू बचा है मिस्टर ग्राउंडहॉग। इसे तो काम खत्म करने की इतनी जल्दी है कि लगता है ये आज ही सब कर देगा। आहा, तो मिल गई। हाँ, क्या मिल गई? कल की फ्रंट पेज न्यूज स्टोरी, काम करते हुए एक किसान को चोट लगी। हाँ? न्यूज स्टोरी मेरा सिर, मैं तुम्हें असली न्यूज स्टोरी बताता हूँ। जरा तुम बच्चे यहाँ से दूर हटोगे, मुझे यहाँ न्यूज स्टोरी लिखनी है और मैं जरा जल्दी में हूँ। चुप रहो, ये बच्चे ही तो स्टोरी हैं। ये सब सुबह से ही कटाई में मेरी मदद कर रहे हैं। ना जाने अगर ये मेरी मदद को ना आए होते तो मेरा क्या होता। ये आइडिया मेरा था। क्या ये सच है? मुझे अपने अपने नाम बताओ। मैं हूँ बीवर। मेरा नाम है गूस। मैं हूँ रकून और मेरे नाम की स्पेलिंग में दो सी हैं। इनके अलावा एक और बच्चा है, वो अभी आता ही होगा। फ्रैंकलिन, जल्दी आओ। जितनी जल्दी हो सके मैं आ रहा हूँ। अफसोस मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे कल के पेपर की डेडलाइन को पूरा करना है। अब तुम सब एक तस्वीर के लिए इन कद्दूओं के आगे खड़े होकर पोज दो। बढ़िया बढ़िया, अब जरा कैमरे में देखकर अच्छे से मुस्कुराओ। मॉम और डैड को मुझ पर कितना गर्व होगा। ठीक है, बस यूं ही रहना। और विश्वास नहीं होता, हम फ्रंट पेज पर आए हैं और हमें कटाई के हीरोज कहा गया है। हम मशहूर हैं। मैं वो आखिरी कद्दू लेने क्यों गया था? फिक्र मत करो, इसमें लिखा है तुमने भी मदद की थी। सच में? पर कहाँ? यहाँ पर। फ्रैंक नाम के एक बच्चे ने भी मदद की थी। फ्रैंक? उन्होंने मुझे फ्रैंक कहा? उनके पास पूरा नाम लिखने की जगह नहीं होगी। पर कोई नहीं जानेगा कि ये मैं हूँ। फिक्र मत करो फ्रैंकलिन, हम तो जानते हैं ना। हाँ, और तुमने कितनी मेहनत की थी। मिस्टर ग्राउंडहॉग भी जानते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि सब जाने। शायद अगली बार तुम्हारी तस्वीर न्यूज़पेपर में छप जाए। और वो कब होगा? शायद जब अगली बार तुम कोई अच्छा काम करोगे फ्रैंकलिन, कभी भी हो जाएगा। हाँ, शायद जब अगली बार मैं कोई अच्छा काम करूं। काफी बड़ा डोनेशन है। मिसेस कंग जैसे महान दानवीरों की वजह से ही हमारी लाइब्रेरी इतनी बढ़िया है।
अच्छा मिसेस कंक एक दानवीर। बढ़िया बढ़िया, ये स्टोरी सब बहुत पसंद करेंगे। अब बस आप दोनों इन किताबों के सामने एक तस्वीर के लिए खड़े हो जाइए। मुझे लगा मुझे ये खिड़की साफ करनी चाहिए, बहुत गंदी लग रही थी। थैंक यू फ्रैंकलिन। मिसेस कंक, क्या आप एक किताब जरा अपने हाथ में पकड़ेंगी? हाँ बिल्कुल। अब ठीक है। और स्माइल हो गया। स्टोरी के लिए थैंक्स। मुझे खुशी हुई। आओ। तुमने काफी अच्छा काम किया फ्रैंकलिन। मैंने इतने दिनों बाद इस खिड़की को इतना चमकते हुए देखा है। न्यूज़पेपर रिपोर्टर कहाँ गया? वो चला गया। चला गया? वो रहा वहाँ। मुझे जाना होगा। मैं चलता हूँ मिसेस गूस। ओह गुड बाय फ्रैंकलिन। कईयों को तो याद भी नहीं उन्होंने आखिरी बार कब इसकी घंटी सुनी थी। सालों हो गए। क्या ये सच है? इसलिए मैंने तय किया कि अब इसे ठीक करने का सही वक्त है। सही वक्त, समझे ना? ओ हाँ हाँ। अपने आर्टिकल में तुम ये जरूर लिखना। तो आपने इसे कैसे ठीक किया? जंग लगी थी और इसे पूरी तरह साफ करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसकी पूरी मेन गियर असेंबली खोल दी। हाय मिस्टर फॉक्स, मैं टाउन हॉल के आसपास के पत्ते साफ कर रहा हूँ। थैंक्स फ्रैंकलिन। वैसे ये काम काफी मुश्किल लगता है। ओ है तो, पर मुझे मदद करना पसंद है। दरअसल मैं पूरी मेन गियर असेंबली को खोलने की बात कर रहा था। काम मुश्किल तो जरूर था, पर मुझे मैकेनिकल चीजों को ठीक करने का शौक है, इसलिए मुझे इसमें मजा आया। अगर संभव हो तो मैं आपकी और घड़ी की साथ में एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम दोनों में से घड़ी की सूरत ज्यादा अच्छी है। हो सके तो ये भी अपने आर्टिकल में लिखना। पर मेरा क्या? ठीक है, अब एक बड़ा स्माइल हो जाए। लगता है मुझे इसे एक लो एंगल से लेना होगा ताकि वो घड़ी भी तस्वीर में आ सके। अब ठीक है। मैं न्यूज़पेपर में आने के लिए आखिर क्या करूं? अंतरिक्ष में जाऊं? हे देखो, किसी का वॉलेट। मिस्टर बीवर का वॉलेट। अच्छा हुआ कि ये मुझे मिल गया। बहुत अच्छा हुआ कि ये मुझे मिल गया है। अब तो मेरी तस्वीर न्यूज़पेपर में छप कर ही रहेगी। याहू! हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज दिन बढ़िया है ना? सॉरी मिस्टर मोल, अपनी ही धुन में जा रहा था मैं। यही बात मुझ पर भी लागू होती है। वैसे इतनी जल्दी क्या है? मैं मिस्टर बीवर को उनका वॉलेट लौटाने उनके घर जा रहा हूँ। मुझे ये रास्ते में मिला। मुझे यकीन है उन्हें ये वापस पाकर बहुत खुशी होगी। हाँ वो तो होगी ही। वाह, आपने तो काफी कुछ खाया है। ओ, ये मेरे नहीं है। जब भी मैं यहाँ टहलने आता हूँ रास्ते में पड़ा कचरा उठा लेता हूँ। आपको कचरा वहाँ उठाना चाहिए जहाँ सब आपको देख सकें। ओ? अगर सब आपको देखेंगे तो वो जानेंगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं मिस्टर मोल। ओ मुझे सबकी परवाह नहीं है। नहीं है? नहीं है, दूसरों के लिए कुछ करने में मुझे अंदर से अच्छा महसूस होता है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। सच्ची? हेलो। ओह, न जाने वो कहाँ चली गई। हम तीन बार उसे रास्ते पर देख आए हैं। हम जहाँ भी देख सकते थे देख चुके हैं। अब आप क्या करेंगे?
पुलिस स्टेशन फोन करके रिपोर्ट लिखवा दूंगा, शायद कोई उसे वापस दे जाए। देखिए डैड, वो रहा वहाँ। अरे हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ना जाने ये कौन छोड़ गया। मुझे नहीं पता, कोई चिट्ठी भी तो नहीं छोड़ी है। मगर डैड, आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़पेपर में एक थैंक यू लेटर छपवा दूंगा। भले ही मैं न जानूं कि इसे किसने लौटाया, पर यहाँ एक समझदार शख्स है जो ये जानता है। हेलो मिस्टर मोल। ओ, लगता है मुझे एक हेल्पर मिल गया। मुझे लगा आपको किसी का साथ अच्छा लगेगा। मिस्टर बीवर अपना वॉलेट वापस पाकर बहुत खुश हुए होंगे ना? हाँ। तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया फ्रैंकलिन। मिस्टर मोल। हाँ? आप जिस खास एहसास की बात कर रहे थे, क्या वो यहाँ पर होता है? हाँ बिल्कुल, वहीं पर होता है। क्यों? लगता है मुझे भी महसूस होता है। मैं समझ गया। फ्रैंकलिन सबमरीन। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। उसके पास एक ट्रेन सेट था, एक गोल्फ बॉल था और खेलने के लिए और भी कई खिलौने थे। पर एक दिन फ्रैंकलिन को मौका मिला अपनी खुद की पनडुब्बी पाने का। वहाँ से बाहर निकलो। वाओ। क्या कर रहे हो फ्रैंकलिन? अपने कुछ खिलौने बेच रहा हूँ, पर मुझे इस पर एक वार्निंग लेबल लगा देना होगा। तुम अपना ट्रेन सेट बेच रहे हो, पर तुम्हें तो इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। जानता हूँ, पर मुझे इसके साथ खेलकर और भी अच्छा लगेगा। वाओ, तुम एक पनडुब्बी खरीद रहे हो? हाँ, मेरे पास इसके आधे पैसे जमा हो गए हैं। बस मैं अपनी कुछ चीजें बेचकर बाकी पैसे भी जमा कर लूँगा। वाह, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जिसके पास अपनी पनडुब्बी हो। बहुत मजा आने वाला है, मैं उसमें बैठकर तालाब के नीचे जा पाऊँगा। शायद मुझे कुछ ऐसे अजीब चीज देखने को मिले जो किसी ने न देखे हो। शायद मुझे डूबा हुआ खजाना भी मिल जाए। बेर, ये तो कमाल होगा। देखो, इसमें एक पेरिस्कोप भी है। हे, मुझे पता है तुम इसी वक्त पनडुब्बी कैसे मंगा सकते हो, वो भी अपनी ट्रेन सेट को बिना बेचे। सच में? हाँ, आधे पैसे मैं दूंगा। सच्ची? बिल्कुल, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो पनडुब्बी हम दोनों की हो सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है। थैंक्स बेयर। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो कैप्टन बन सकते हो। मैं तुम्हारा कैप्टन बोल रहा हूँ, कैप्टन बेयर। ठीक है साथियों, चलो डेक को साफ करें। इन सारे खिलौनों को अपनी अपनी जगह पर रखो और ये मेरा ऑर्डर है। आय आय कैप्टन। हे, हाँ, मेल आ गया। मिस्टर बैजर, क्या आप मेरा पार्सल? हाँ, फिर से सिर्फ चिट्ठियाँ। सॉरी फ्रैंकलिन, आज भी पनडुब्बी नहीं आई। पर मैं पूरे दो हफ्तों से इंतजार कर रहा हूँ। वैसे कभी कभी इन चीजों में वक्त लगता है, पर जैसे ही वो आएगी मैं सबसे पहले सीधे तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है, थैंक्स मिस्टर बैजर। हाँ, वैसे भी ये मेल बैग पहले ही भारी होता है, अगर मुझे एक पनडुब्बी भी उठानी पड़े तो मैं चाहूंगा कि उसको जल्द से जल्द डिलीवर कर दूं। क्या कर रहे हो फ्रैंकलिन? ओ हाय मिस्टर बैजर, मैं बस अपनी पनडुब्बी के लिए एक लॉन साइट देख रहा हूँ, ना जाने वो कब आएगी। आज तुम्हारे लिए एक पार्सल है। सच में? तो चलो उसे ले आए। डैड हमें अपनी कार में पोस्ट ऑफिस ले जाएंगे, वो हमारी कार में फिट होगी ना, वो कितनी बड़ी है। वो यही है। हा? ये मेरी पनडुब्बी नहीं है, ये जो भी है तुम्हारे लिए आई है। गुड बाय फ्रैंकलिन, मुझे जाकर और भी चिट्ठियां बांटनी हैं। बाय बाय, थैंक्स। यहाँ खोलो। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। हे फ्रैंकलिन, हमारे साथ स्विमिंग करने चलोगे? ये टुकड़ा क्या है? हे, ये तो टॉयलेट सीट का ढक्कन लगता है। वो टुकड़ा मेरी पनडुब्बी का मेन हैच है।
क्या? नहीं, क्या ये वही पनडुब्बी है जो तुमने मंगाई थी? वही जिसके बारे में तुम हमें कई हफ्तों से बता रहे हो? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। इसमें तो बहुत मजा आएगा जब तक तुम इसे गीला नहीं करते। ये वैसी नहीं है जैसी तस्वीर में दिखाई गई है। तस्वीर में तो हमेशा अच्छा दिखाते हैं। मैं तो किसी भी चीज को आजमाने से पहले खरीदता ही नहीं। तुम्हारा मतलब जैसे वो एक्सरे चश्मा जो तुमने मंगाया था? एड में लिखा था कि तुम दीवार के आर पार देख पाओगे। सच्ची? क्या ऐसा हुआ? हाँ, कुछ कुछ हो जाता अगर दीवार में खिड़की होती। वो तो सिर्फ सनग्लासेस थे जिन पर एक्सरे लिखा था। वो मुझे कैसे पता होता? वैसे भी ये बहुत पहले की बात है। कम से कम तुमने अपने दोस्त के पैसे तो खर्च नहीं किए थे। अब मैं बेर से कैसे कहूँगा? मुझे नहीं पता, पर अगर कोई मुझसे एक कार्डबोर्ड की सबमरीन खरीदवाता तो मैं बहुत नाराज होती। मैं तो अपने पैसे वापस चाहता। तुमने ये एड नहीं पढ़ा था, है ना फ्रैंकलिन? हाँ पढ़ा था, पर पूरा नहीं पढ़ा था। क्या तुमने ये हिस्सा पढ़ा था, पानी में इस्तेमाल ना करें? अब मैं जान गया हूँ। पर इसमें ये भी लिखा है कि अगर तुम इसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो तो इसे लौटा कर पैसे वापस ले सकते हो। मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर इसे वापस भेज दो। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। थैंक्स बीवर। अगली बार तुम दोनों किसी कॉमिक बुक से कुछ भी मंगवाओ तो पहले मुझसे बात करना। एक्सरे चश्मा, गत्ते की पनडुब्बी, तुम दोनों तो कमाल हो। और चूंकि ये वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि ये होगी, मैं इसे वापस भेजकर अपने पैसे मंगवा रहा हूँ मिस्टर बैजर। चलो देखते हैं, इसके $4.25 लगेंगे। आपका मतलब क्या है? मैं इसे वापस भेज रहा हूँ। हाँ, $4.25 ये पोस्टेज का खर्च है, तुम्हें इस पर स्टैंप जो लगाने पड़ेंगे। पर हमने तो इसके लिए करीब $9 पहले ही दे दिए हैं। जब उन्हें ये पनडुब्बी मिलेगी तो वो तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। मैं अपने सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ और बेर के भी। अफसोस कि कभी कभी ये पैसे वापस देने की गारंटी वाली बातें इतनी आसान नहीं होती। बेर को पता चलने से पहले मुझे इसे कहीं दूर ले जाना चाहिए। अजीब बात है फ्रैंकलिन, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सब पहले भी हो चुका है? ये पहले हुआ है बेर, पिछले महीने भी मैं खिलौने बेच रहा था, याद है? अब भी वही कर रहा हूँ। ओह हाँ, तुम हमारी पनडुब्बी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे थे, क्या तुम एक और ऑर्डर करने वाले हो ताकि हम पानी के नीचे रेस कर सके? नहीं, मुझे पैसे किसी और चीज के लिए चाहिए। ये क्या है? ये तो मेरे लिए एक पार्सल आया था। क्या तुम इसे खोलोगे नहीं? शायद कल, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ बेर। क्या तुम्हें नहीं जानना ये क्या है? मुझे पता है ये क्या है बेर, ये हमारी पनडुब्बी है। अच्छा मजाक है। क्या सच में इसमें पनडुब्बी है? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर फिक्र मत करो बेर, मैं इसे वापस भेज रहा हूँ। सच में? हाँ, बस मुझे सारे पोस्टेज स्टैम्प खरीदने जितने पैसे जमा करने हैं। जब उन्हें उनकी पनडुब्बी मिलेगी तो वो हमारे पैसे लौटा देंगे बेर। ये बहुत प्यारी है, ये दिखती कैसी है? उप्स। ये ऐसी दिखती है। तुम्हारे ख्याल से ये पनडुब्बी का कौन सा हिस्सा है? वो एक पेरिस्कोप। हे, काम भी करता है। सच में? देखो। मुझे तुम्हारे सिर के ऊपर की चीजें दिख रही हैं। अफसोस हम इसे रखकर बाकी हिस्से वापस नहीं भेज सकते। शायद हमें इसे पूरा रख लेना चाहिए फ्रैंकलिन। ये किस काम की है? ये सिर्फ कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड इतना भी बुरा नहीं होगा, हम जब चाहे जहाँ चाहे इसे ले जा सकेंगे। वो तो है। देखो पोर्ट होल्स, हम बाहर किसी भी दिशा में देख पाएंगे। पर हम इसे पानी में नहीं ले जा पाएंगे। तो हम फिर भी इसके साथ मजे कर पाएंगे। हाँ शायद तुम सही हो बेर। पता है मेरे डैड हमेशा क्या कहते हैं? क्या?
अगर कोई तुम्हें ज्यादा पका सेब बेचे तो फिक्र मत करो, उसका सॉस बना दो। और अगर कोई आपको एक गत्ते की पनडुब्बी बेचे तो क्या करना है? पता नहीं, एप्पल सॉस बना दो, मजेदार होता है। ओ बेर, चलो इसको एक साथ जोड़ते हैं। हे, मैं कैप्टन बेर हूँ, याद है? मेरे ख्याल से अब समुंदर के नीचे जाने का वक्त है। आया है कैप्टन। चलो चलो चलो। कैप्टन, हमें पानी में जाने से पहले मेन हैच बंद कर देनी चाहिए ना? हाँ, सही कहा, मेन हैच बंद करो और फिर चलो नीचे नीचे नीचे। आया है कैप्टन। वाओ, जरा इन मछलियों को तो देखो। और ऑक्टोपस भी है। मुझे खोया हुआ खजाना दिख गया, हम उसके ऊपर ही हैं। मैं इसे अपनी मशीनी हाथ से ऊपर ले आती हूँ। मिल गया। बहुत अच्छे बीवा। वाह, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, बहुत सारा मजा। तुम्हारी पनडुब्बी तो कमाल की है, मुझे खुशी है कि तुमने इसे रखने का फैसला किया। मुझे भी। हाँ, अगर तुम्हें कभी इसके बदले में कमाल का एक्सरे चश्मा चाहिए तो मुझे जरूर बताना। हाँ।